माहे रमजान की खुशी दिल में महसूस करो, अल्लाह अकबर मुकद्दस महीना आ रहा है। खाने पीने में एहतियात, हर चीज में ख्याल। और हाँ, एक आखिरी बात और अर्ज कर दूं, माहे रमजान शरीफ में लोग जक़ात निकालते हैं, तो गैर सैयद को जक़ात दे सकते हैं? सैयद को तो जक़ात नहीं दे सकते। सैयदों के लिए क्या करते हैं आप? तो कुछ लोग ये करते हैं कि हीले शरई करा के सैयद को देते हैं। मैं इसको बेहतर नहीं समझता हूं कि इस तरीके से सैयद का ख्याल किया जाए। आप सिर्फ इतना सोच लें कि जिस तरह आपकी औलाद को आप जकात नहीं खिलाते और आपकी औलाद की फिक्र आप करते हैं, ऐसे नबी की औलाद की भी फिक्र किया करो, और अपनी पाकीजा कमाई में से उनके लिए कुछ निकालो और ऐसे सादात को तलाश करके उन तक पहुंचा दो और उनकी भी ईद रमजान खुशी से गुजरे, उसका तुम ख्याल करो। भले एक मरतबा अपने बच्चों को कम पहुंचे, चल जाएगा, लेकिन सादात को अच्छे से अच्छा पहुंचाओ। अगर तुम अपना कपड़ा दाऊद खान में बनाते हो, तो अपने सादात के लिए भी उसी में उसी तरीके से अच्छे कपड़े बनाओ, इसलिए कि तुम्हारा बेटा पहनेगा तो तुम खुश होगे, और नबी की औलाद पहनेगी तो मुस्तफा जान मोहम्मद खुश हो जाएंगे। ये ख्याल करो। मैं देख रहा हूं इस वक्त हमारी तवज्जो इस तरफ बिल्कुल नहीं है। मेरे पास हाल वाकयात आते हैं और मसाइल आते हैं, तो पता चलता है क्या पोजीशन है, बिल्कुल नजरअंदाज हमने कर दिया है। तो इस चीज का भी ख्याल करें, ढूंढ के दें, तलाश करके दें, पहुंचाएं उन तक, और अज्र उनकी तरफ से न हो, अज्र की उम्मीद अल्लाह से हो कि मेरे मौला तेरी खुशी के लिए मैंने दिया, अगर तू कबूल कर ले तो ये मेरी नजात का जरिया।